हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल लड्डू, एक मलाई लड्डू और एक बेसन के लड्डू। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी है। इन मिठाई को फेल होने में 1% भी चांसेस नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इन मिठाई को आप बनाओगे तो घर वाले आपसे बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपके चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ भर भर के आएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते बनाना। पहले हम बनाएंगे मलाई लड्डू। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया। अब इस दूध को हम उबालेंगे हाई फ्लेम पर और इसे लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने केसर के धागे थोड़ा सा ले लिया और गरम दूध जो है इसमें हम डाल के रख देंगे। बाद में हम इसमें ऐड करेंगे और दूध को हम लगातार हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे। केसर जो हमने भिगो के रखा था वो हमने ऐड कर दिया। अभी इसे भी हम चलाते रहेंगे और दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे हम। और यहाँ हमारा दूध गाढ़ा हो चुका। यहाँ मैं 100 ग्राम करीबन पनीर ले लिया। ये मैंने घर पर बनाया था पनीर, तो आप चाहे तो मार्केट का पनीर यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम में जो है गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे, इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इस समय अगर आप छोड़ देंगे तो तले पे लग सकती है। यहाँ पे हमने शुगर ऐड किया, 150 ग्राम शुगर हमने लिया, वो हमने ऐड कर दिया। अब इसे भी चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया हरी इलायची का पाउडर, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और डेसिकेटेड कोकोनट हमने आधी कटोरी लिया, वो भी ऐड कर दिया। अभी इसे हम चलाते रहेंगे लगातार, जब तक पैन ना छोड़ देते हैं। और देखिए हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया, पैन छोड़ने लग गया। अब इस टाइम में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये इतना स्वादिष्ट मिठाई बनेगी कि आप पूछो मत। अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो तभी भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हम घर पे जब बनाते हैं तो अपने हिसाब से हाइजीनिक से बनाते हैं और हम अच्छे हेल्दी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये मिठाई देखने में जितना सुंदर, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मेजरमेंट वाली स्पून ले लिया। आप घर के किसी भी स्पून ले सकते हैं और उसे आप बना सकते हैं, ना तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम इसी तरह के देखिए ऐसे कितना इजीली बन रहा है, हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहे लड्डू। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए पिस्ता ऐड कर रही हूँ ऊपर से, आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं। ये लड्डू देखने में जितना सुंदर है, खाने में ये तो कई गुना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मैं आपको इसे पास से एक बार तोड़ के दिखा रही हूँ कैसे बनी। देखिए बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली लड्डू है। तो इसी तरह हम दूसरी मिठाई भी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल आप जैसे मार्केट से खाते हो इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। ये मुंह में डालते ही घुल जाएगी, देखिए आपको पता चल रहा देखने में। तो सबसे पहले हमने ऐड किया करीबन 4 चम्मच घी और हमने ले लिया साथ ही में बेसन 1 कप। बेसन को फ्रेंड्स हम तक तक भुनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाते हैं। और लोगों की शिकायत आती है बेसन के लड्डू कभी दांत में चिपकता है, कभी गले में अटकता है, इसीलिए ये होता है ताकि आपका बेसन अच्छे से भुना हुआ नहीं होता है। बेसन को भूनते हुए करीबन हमारा 25 मिनट हो गया और बेसन का कलर चेंज हो गया। अभी हम बेसन का थोड़ा पैन में फैला देंगे और ऊपर से हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने से हमारा बेसन का लड्डू बिल्कुल दानेदार बनेगी। तो ऊपर से थोड़ा इस टाइम में हम पानी ऐड कर देंगे। देखिए बेसन हमारा ऑलरेडी दाने दाने सब हो गया, देखिए बिल्कुल दानेदार लड्डू बन के तैयार हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया, अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे।
और यहाँ हमारा बेसन ठंडा हो गया है। ठंडा मतलब पूरा ठंडा नहीं है, जैसे आप हाथों से टच कर सकते हैं इतना गर्म रखना है। अगर आप पूरा ठंडा कर देंगे तो लड्डू नहीं बांधेंगे। फिर यहाँ हमने ऐड किया बूरा खंड, और साथ में फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, लड्डू में बहुत अच्छा खुशबू आती है। फ्रेंड्स, जितना हमने बेसन लिया था उसी माप का हमने शुगर लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। और आपका इस टाइम में लड्डू बनने में अगर मुश्किल हो रही है, लड्डू नहीं बन रही है, तो आप बेसन का थोड़ा हल्का गर्म कर लीजिएगा तो लड्डू इजीली आपका बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये छोटा सा स्पून ले लिया, इसी माप का हम बनाएंगे। आप घर के किसी भी कप या स्पून आप ले सकते हैं, उसी माप का बना सकते हैं, ताकि लड्डू एक जैसा दिखेगी तो सुंदर लगेगा देखने में। तो देखिए लड्डू हमारा इजीली बन रही है, बाइंड हो रही है लड्डू, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर गर्म करने के बाद अगर लड्डू नहीं बांध रही है तो आप 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं, तभी भी आपका लड्डू इजीली बाइंड हो जाएगी। तो हम इसी तरह सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे, और ऊपर से हम पिस्ता ऐड किया। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको पास से तोड़कर दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल मुलायम, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार हो गई। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।